अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दैट इज़ 1906 जो कि 1906 के अंदर हुआ था ये जो मैंने टॉपिक है ये क्लास नाइन्थ की लेक्चर जो सीरीज़ है पाकिस्तान अफेयर उसमें से ये मैं बता रही हूँ ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग सेशन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग nineteen zero six द उर्द हिंदी कंट्रोवर्सी दबलिशमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड कांग्रेस एंटी मुस्लिम पॉलिसीज ठीक है जितनी भी हिंदू हिंदी और उर्दू की कंट्रोवर्सी जा रही थी लैंग्वेज के ऊपर भी और जो हिंदू की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी ठीक है और कांग्रेस की कुछ मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ ऐसे फलसफे थे ठीक है जिसने मुसलमानों को पुरजोर तरीके से कोशिश की कि मुसलमानों को चाहिए कि उनका अपना एक प्लेटफॉर्म हो जिसके ऊपर वो अपने राइट्स को सेव कर सकें और अपने राइट्स के की हफाजत कर सकें तो इसलिए उन्होंने मुसलम कम्यूनिटी के लिए

ठीक है नवाब सलीमुल्ला खान ऑफ ढाका कॉल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने ये मीटिंग कॉल की थी नवाब सलीमुल्ला खान ने किसने मीटिंग कॉल की थी नवाब सलीमुल्ला खान साहब ने मीटिंग कॉल की थी ढाका के अंदर ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा सके जो मुसलमानों के इंटरेस्ट को सेव गार्ड कर सके ठीक है दिस मीटिंग टू प्लेस ऑन दिसंबर थर्टियथ नाइनटीन जीरो दिसंबर जीरो के अंदर ये मीटिंग जो थी ये हुई एंड वॉज प्रिजाइडेड ओवर द नवाब सलीमुल्ल नवाब वकारलमल्क ठीक है और प्रेजिडेंट इसके कौन थे इस मीटिंग के वो नवाब वकारुलमल थे ठीक है ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कुछ ठीक है कि कहाँ पर मीटिंग हुई किस डेट को हुई और किसने बेसिकली कॉल की मीटिंग और कौन प्रेसिडेंट था ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ जाते हैं ही प्रोपोल द फॉर्मेशन ऑफ पोलिटिकल पार्टी एंड दार्टिस नवाब सलीमुल्ला खान ठीक है पोलिटिकल पार्टी की जो तजवीज़ थी इन्होंने दी एंड द पार्टिसिपेंट्स जिसके अंदर इन्वॉल्व थे वो नवाब सलीमुल्ला खान थे मौलाना जफर अली ख़ान साहब थे आ, हकीम अजवल खान थे सपोर्टेड द आइडिया इन सब ने इस आइडिया को सपोर्ट किया लीडिंग टू द्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो की कहा पर गया कि एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक पार्टी होनी चाहिए मुसलमानों की जमात होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव इसके क्या थे? वो देख लेते हैं तो इसका पर्पज क्या था कि मुसलमानों की जमात होनी चाहिए जो की मुसलमानों की जितनी भी डिजायर्स है उनकी डिमांड है वो अंग्रेजों के सामने बहुत ही इज्जत से रखें उनको बताया जाए कि हम क्या चाहते हैं ठीक है थीके? सेकेंड पॉइंट था टू क्रिएट फीलिंग्स ऑफ लॉयलिटी अमंग मुसलमानों की जो uh, है ना कह सकते हैं कि ऑनेस्ट honest, ऑनेस्टी के एक किस्म की जो उनकी एहसास हैं वो बताया जाए अमंग मुस्लिम ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू रिमूव अमंग अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो बेसिकली ब्रिटिशर्स uh, को बताया जाए कि वो कितने लॉयल्स हैं मुसलमान ठीक है आपकी तरफ और आपकी गवर्नमेंट की तरफ ठीक है और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन मुसलमान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान दूर कर दी जाए कि हम उनकी कितनी मुसलमान जो है मिस कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स मुसलमान है वो क्यों इतना मिस कर रहे हैं ठीक है ये चीज़ थर्ड uh, हमारे पास पॉइंट टू कॉपरेट विद अदर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया विदाउट डैमेजिंग द अब ऑब्जेक्टिव तो मुसलमानों uh, को चाहिए कि जो मुसलमान चाहते है India, जो मु, हैं कि वो कॉपरेट करें मिलजुल कर रहे अदर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं ठीक है इंडिया की उनके जो ऑबजेक्टिवज हैं उनके एम्स हैं उनके डिज़ायर्स हैं उनको डैमेज किए बगैर उनको नुकसान पहुंचाए बगैर वो इकट्ठे मिलकर रहे हैं ठीक है ऑन दिसंबर थर्टियथ नाइनटीन जीरो सेवन द फर्स्ट एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड इन कराची कराची के अंदर पहला सेशन हुआ ठीक है ए पार्टी बन चुकी थी नाइनटीन जीरो सिक्स में नाइनटीन जीरो सेवन में इसका पहला सेशन हुआ द नेक्स्ट uh, से सेशन ऑफ लीग वॉज हेल्ड इन अलीगढ़ ऑन ट्वेंटी सॉरी एटीथ मार्च नाइनटीन जीरो एट उससे अगला सेशन कब हुआ एटीन मार्च नाइनटीन जीरो एट में और कहाँ हुआ अलीगढ़ के अंदर एंड सर आगा खान वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट और सर आगा खान साहब उस वक्त प्रेजिडेंट बन गए ठीक है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एंड हसन बिलग्रामी एज अ सेक्रेटरी बन गए हसन बिलग्रामी सैयद अमीर अली वॉज अपॉइंटेड एट द प्रेजिडेंट ऑफ लंदन ब्रांच लंदन ब्रांच में भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग खुली ठीक है लंदन की भी एक ब्रांच थी ठीक है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की उसके प्रेजिडेंट को बन गए सैयद अमीर अली द लीग प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर मुस्लिम द सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ हिंदू ठीक है सॉरी इंडिया मुसलमानों के लिए उन्होंने एक ठीक है द इस लीग ने प्रोवाइड किया प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू मुस्लिम फॉर मुस्लिम ठीक है ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पार्टी थी उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया किसको मुसलमानों को द सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी थी इंडिया के अंदर मुसलमान ठीक है पहली तो कम्युनिटी कौन थी हिंदू थी ठीक है दूसरी कम्युनिटी जो सबसे बड़ी थी वो थी मुसलमानों की द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल फॉर फ्रॉम नाइनटीन टू नाइनटीन फोर्टी सेवन तक नाइनटीन तक इन्होंने बहुत ही इंपॉटेंट रोल प्ले किया मुस्लिम लीग ने और अभी भी देखा जाए तो मुस्लिम लीग को डिवाइड करके एक आम जो मुस्लिम लीग नून जो है बना दी गई थी इसी से ही बेसिकली इसी की सेग्रीगेशन थी सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड हैवनीज कैन आसमिन द कामेंट सेक्शन इस uh, हम लोग uh, uh, वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ठीक है क्योंकि इतहाई इंपॉटेंट टॉपिक है ठीक है ये आप कहीं भी कोट कर सकते हैं चाहे आप कंपिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एट्थ क्लास को पढ़ रहे हैं नाइन्स को पढ़ रहे हैं हर जगह पर टॉपिक इसी तरह कोर्ट होगा कि इस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ है ठीक है और कब ये किस किस की किस कौन कौन इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी इस कौन इसका कौन प्रेसिडेंट था ये इसके सेशन कितने हुए कब तक हुए इसका क्या पर्पज था ठीक है इसकी डिमांड्स क्या थी सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई सेट इफ यू हैव एनी केरीज यू कैन आस्क मिन द कॉमेंट सेक्शन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू सो मच